दो दिन पहले मनोज यादव आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा एक बिल्डर पर FIR दर्ज करवाने के बाद मीरा भाईंदर शहर में ये जंगल में आग की तरह खबर फैली है और लोग जिनकी सोसाइटी में कन्विंस नहीं हुए हैं वो आम आदमी पार्टी से संपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमने प्रोफेसर दुर्गेश पाल जो यूथ विंग के अध्यक्ष हैं हमने उनसे बात की क्या है ये कन्विंस डीड और कैसे कराई जाती है। चाहेंगे कि पहले तो ये बताइए दर्शकों को कि ये कन्विंस डीड क्या होता है। जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी लोग शहरों में रहते हैं फ्लैट खरीदते हैं तो जो भी लोग फ्लैट खरीदते हैं उन्होंने एक्चुअली फ्लैट का रजिस्ट्रेशन कराया होता है और जो फ्लैट की पूरी सोसाइटी होती है उसकी जो जमीन होती है सोसाइटी की वो बिल्डर के नाम पर होती है। यह बिल्डर की जिम्मेदारी होती है कि एक बार सोसाइटी फॉर्म कर लिया सोसाइटी फॉर्म करने के बाद उस सोसाइटी की जमीन को सोसाइटी के नाम पे हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए और उस प्रोसेस को बताया जाता है कन्वेंस डीड। उसके लिए कोई तय समय सीमा होती है बिल्डर द्वारा? मोफा कानून के तहत 6 महीने के अंदर ये रजिस्ट्रेशन सोसाइटी का बिल्डर के थ्रू हो जाना चाहिए। जो बिल्डर के नाम पे जमीन है वो सोसाइटी के नाम पर हो जानी चाहिए। और नहीं होती है तो? अगर ऐसा नहीं होता है तो जो मोफा का सेक्शन 3 है और सेक्शन 13 है इन कानूनों के अंतर्गत आप बिल्डर के खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं और इन कानूनों के तहत 3 साल की सजा का प्रावधान है। मीरा भाईंदर में कई ऐसी सोसाइटी हैं जिनके बिल्डर नाराज रहते हैं कई सालों से वो मिल नहीं रहे, ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं पूरे शहर को ये बता देना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर शहर में या मुंबई आसपास 10,000 से ज्यादा सोसाइटीज हैं जिनका कन्वेंस नहीं हुआ है। सारे के सारे सोसाइटी मेंबर सोसाइटी परेशान है कि उनकी बिल्डिंग 30 साल 40 साल पुरानी हो चुकी है, वो कभी भी ध्वस्त हो सकती है या नगर पालिका उसको ध्वस्त करने का ऑर्डर निकाल सकता है। और ऐसे केस में जब बिल्डिंग जर्जर हालत में बन चुकी है और उनका कन्वेंस नहीं हुआ है, एक बार बिल्डिंग का डिमोलिशन हो गया तो फ्लैट ओनर के नाम का जो फ्लैट है वो ध्वस्त हो चुका है, बच गई है सिर्फ जमीन, वो जमीन है बिल्डर के नाम पे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बिल्डर जानबूझकर जमीन सोसाइटी के नाम पर ट्रांसफर नहीं करता है ताकि 40, 50, 60 साल के बाद जब बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी तो जमीन वापस उसके या उसके पोते के नाम पर उसके बेटे के नाम पर हो जाएगी, फिर वो अपना बिल्डिंग का धंधा चमकाएगा। पुरानी हो चुकी है सोसाइटी के लोग कन्वेंस करवाना चाहते हैं और बिल्डर नहीं मिल रहा है, तो मैं ऐसे सभी लोगों का आम आदमी पार्टी में स्वागत करूंगा। आम आदमी पार्टी आपको जो भी होगी सहायता वो सहायता करेगी। मैं और हमारी टीम उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में आपको बताएंगे, डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार DDR के ऑफिस में आपको कैसे अपील करना है, उसके बाद के क्या प्रोसेस है, उसके अंदर हमारी पूरी टीम आपकी भरपूर सहायता करेगी और आपकी बिल्डिंग के कन्वेंस में जो भी भरसक प्रयास होगा कोशिश किया जाएगा कि आपके बिल्डिंग का कन्वेंस करवाएं। FIR दर्ज करवाने में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? FIR दर्ज करवाने के लिए जो सबसे पहली चीज है सोसाइटी की कमेटी जो है उसने बिल्डर को अप्रोच किया होना चाहिए कि आप हमारे सोसाइटी का कन्वेंस कराएंगे, ठीक है। FIR जो है वो सोसाइटी का कोई एक मेंबर भी बिल्डर के खिलाफ करा सकता है, जैसा कि मनोज यादव जी के केस में हुआ, उन्होंने अकेले अपने बिल्डर के खिलाफ केस करवाया है। लेकिन जो ये मुद्दा प्रकाश में आया है लोगों के संज्ञान में आया है उसके बाद बहुत सारे लोग चलकर हमारे पास आ रहे हैं, उनको ये मालूम पड़ गया कि ये जो धोखाधड़ी सदियों से दशकों से चलती आ रही है, बिल्डर फ्लैट बनाकर बेच देता है और फिर उस जमीन के नजर में रहता है, ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो डिमोलिश होने वाली बिल्डिंग के लोगों को बोल रहे हैं कि ये लो रिक्वेस्ट लेटर का फॉर्मेट, इस फॉर्मेट पे आप साइन करके दीजिए कि हम वापस से आपकी बिल्डिंग का रिडेवलपमेंट करें। एक फ्लैट मेंबर 30 साल EMI भरता है तब जाके उसको उस फ्लैट का पूरा मालिकाना हक मिलता है, तब तक तो वो फ्लैट का जो डॉक्यूमेंट है बैंक में जमा होता है। 30 साल के बाद अगर वो बिल्डिंग जर्जर हालत में हो गई, टूटने वाली हो, डिमोलिश होने वाली हो, रिपेयरिंग होने वाली हो, तो उसका पूरा खर्च फ्लैट ओनर उठाता है। लेकिन अगर वो बिल्डिंग टूट जाती है तो उसका मालिकाना हक चला जाता है, तो एक व्यक्ति पूरी जीवन एक उस फ्लैट की कमाई के लिए लगा देता है और उसके बाद भी अगर उसका मालिकाना हक नहीं मिल रहा है तो उस लड़ाई को आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है। हमने एक FIR कराई है, आने वाले समय में ऐसे जितने भी मुजोर बिल्डर हैं जो ऐसे नजर लगाए हुए हैं, घात लगाए हुए हैं लोगों के साथ धोखा करने के लिए, इन सबको पकड़ा जाएगा, इन सब पे FIR करवाई जाएगी। कन्वेंस डीड के विषय को लेकर आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए और आम लोगों को इसकी जानकारी दे रहे हैं। यह विषय आगे चलकर कैसा और कौन सा मोड़ लेता है ये देखना दिलचस्प होगा।
एमबी न्यूज के लिए मैं राजेश शर्मा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।